और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रोटी वर्सेस ब्रेड्स। सो काफी ज्यादा इसमें भी कंफ्यूजन होता है, और कंफ्यूजन क्या, कॉमन सेंस की कमी है लोगों में कि मतलब ब्रेड्स पे ज्यादा फोकस करते हैं, घर की रोटी खाने में उनको प्रॉब्लम होने लगती है, सोचने लगते हैं, दस बार सोचते हैं घर की रोटी या पराठा खा लेंगे तो मोटे हो जाएंगे, अगर फिटनेस कर रहे हैं तो रोटी छोड़ दो। अक्सर मैं जिम में जो ट्रेनर्स होते हैं अभी भी मैं देखता हूँ, काफ़ी लोग जो ट्रेनर्स लोग रिकमेंड करते हैं रोटी छोड़ दो, राइस छोड़ दो, सॉल्ट छोड़ दो, दुनिया छोड़ दो। तो मतलब समझ नहीं आता क्यों छोड़ दो भाई, क्या प्रॉब्लम क्या है रोटी में, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स हैं, रोटी तो अच्छी चीज़ है। ब्रेड्स ऑन दी अदर हैंड क्या रहता है, इसमें प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, देखिए कभी कभार खा रहे हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इशू नहीं है ब्रेड्स, बट प्रिजर्वेटिव्स होते हैं उसमें भी, मैदा होती है और शुगर होती है, यीस्ट डलता है उसमें उसको फर्मेंट करने के लिए, तो समझ सकते हैं आप कि ब्रेड हेल्दी नहीं है उतनी। ऑन दी अदर हैंड रोटी आपकी फ्रेश है, घर में बनी है, आप इसमें भी हेल्दी कर सकते हैं इसको। किस तरीके से, मल्टीग्रेन बना सकते हैं इसको, लाइक सोयाबीन, चने, ये सब इसमें मिक्स करवा के आप इसको आटे को इसकी मल्टीग्रेन रोटी बना सकते हैं। बट नहीं, मल्टीग्रेन ब्रेड्स खा लेंगे, ब्राउन ब्रेड खा लेंगे, व्हीट ब्रेड खा लेंगे। एक आपको बात बताता हूँ, कभी भी आप नेक्स्ट टाइम जब आप ब्रेड लेके आएंगे जो मल्टीग्रेन वाइट ब्रेड सॉरी होल ग्रेन ब्रेड्स हैं, उनमें आप पीछे इंग्रेडिएंट्स लिस्ट एक बार चेक कर लेना, उनमें साफ साफ क्लियरली मेंशन किया हुआ होगा मैदा। तो बेवकूफ बनाया जाता है आपको ये बोल के कि ये होल ग्रेन है, ये ब्राउन ब्रेड है, उसमें मैदा डली हुई होती है, इसलिए थोड़ा समझदारी से काम लिया करो। ब्रेड मना नहीं है, नहीं खाओ, खाओ बट लिमिटेशन में। रोटी के बारे में 10 बार सोचते हो, ब्रेड के बारे में 10 बार सोचो। रोटी पराठा घर का होम मेड है, फ्रेश है, अच्छा है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स हैं, सोचने की ज़रूरत ही क्या है। तो आई होप ये सिंपल सी इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी, और उन लोगों को ये शेयर करो जो लोग ये ट्रेनर्स लोग और जो आपको बोलते हैं फिटनेस गुरुज के नहीं रोटी नहीं खाओ, रोटी नहीं खाओ, ऐसा कुछ नहीं होता, रोटी खानी चाहिए। तो वीडियो अच्छा लगा तो डू हिट द लाइक बटन, कमेंट डाउन बिलो एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस, और फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार।